नमस्ते, मैं सुविगेंदु सुत आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी नई वीडियो में। और आज मैं आपको बताऊंगा दीपावली पूजन का शुभ मुहूर्त जो आपके घर में धन समृद्धि बढ़ाएगा। मैं एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स या फिर त्योहारों की वीडियो सबसे पहले डालता हूं, तो अगर आप मेरी वीडियोस देखना चाहते हैं तो जो नीचे बेल आइकन है उसे दबाएं। इसी के साथ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल। इस बार दीपावली 27 अक्टूबर की है और हमारे हिंदुओं में दीपावली को सबसे शुभ फेस्टिवल माना जाता है। हिंदू पंचांग के अकॉर्डिंग कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है और इस दिन हम गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं ताकि हमारे घर में धन समृद्धि बढ़ सके। हमारे हिंदुओं में माना जाता है कि दीपावली वाले दिन शाम से लेकर रात तक माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर ही रहती हैं और उसी घर में एंटर करती हैं जो घर साफ और वेल डेकोरेटेड होता है। तभी आपने देखा होगा कि दीपावली पे हर कोई अपने घर की सफाई करता है, तो उसका मेन रीज़न ये है कि जो भी घर साफ होता है, वेल डेकोरेटेड होता है, उसी घर में धन और प्रॉस्पेरिटी आती है। और इसमें भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारे घर की मेन एंट्रेंस, जिसको हमें पूरे घर में सबसे ज़्यादा साफ और डेकोरेटेड रखना चाहिए, क्योंकि जो माँ लक्ष्मी हैं वो हमारे घर में मेन एंट्रेंस से ही आती हैं। दीपावली वाले दिन हर कोई अपने घर की पूजा करता है। इसी के साथ हमको हमारे वर्क प्लेस पे, जैसे कि ऑफिस, शॉप या फिर फैक्ट्री में भी पूजा करनी चाहिए, जिसमें हम दिन के शुभ मुहूर्त के हिसाब से पूजा करते हैं ताकि जो हम काम कर रहे हैं उसमें धन समृद्धि यानी कि फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी भर सके। हम दिवाली पूजा हमेशा स्थिर लगन में करते हैं, क्योंकि वैदिक ज्योतिष के अनुसार जो भी हमारे शुभ काम हैं वो हमें हमेशा स्थिर लगन में ही करने चाहिए। क्योंकि स्थिर का मतलब होता है फिक्स, इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई भी काम, अपना शुभ काम स्थिर लगन पे करेंगे तो हमेशा उसमें हमें स्टेबल ग्रोथ ही मिलेगी। तो ऐसे ही अगर हम अपने दीपावली का पूजन भी स्थिर लगन में ही करते हैं तो उसका जो फल है वो हमें हमेशा ही मिलता रहता है। इस बार एक विशेष योग है, दीपावली वाले दिन शाम को मून तुला राशि यानी कि लिब्रा राशि में एंटर कर जाएंगे, जहाँ पे पहले से ही शुक्र वीनस जो धन और समृद्धि के कारक हैं वो पहले से ही उसमें गोचर कर रहे हैं। तो मून और वीनस का कॉम्बिनेशन बनेगा जो कि एक महालक्ष्मी योग है। तो इस बार दीपावली का जो पूजन है वो सभी राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा और इस बार उस पूजा के फल हम सबको देखने को मिलेंगे। इस बार दीपावली पूजन का शुभ समय है ऑफिस, शॉप या फिर फैक्ट्री के लिए सुबह 8 बजे से 10:30 बजे तक, दोपहर 2 बजे से 3:30 बजे तक। इसी के साथ घर में पूजन का शुभ समय है शाम को 6:30 बजे से 8:30 बजे तक। इस टाइम स्थिर लगन चल रहा होगा और जैसा कि मैंने बताया कि स्थिर लगन में पूजा करने से जो उसके फल है वो हमें हमेशा मिलते हैं, तो आपको पूजा इसी बीच करनी है। इसी के साथ जो लोग दीपावली वाले दिन स्पेशल पूजा करते हैं उनके लिए शुभ समय है 1:08 से 3:25 तक मॉर्निंग में, यानी कि 28 की मॉर्निंग को और 27 की रात को। तो अगर आप दीपावली वाले दिन स्पेशल पूजा करते हैं तो आपके लिए यही शुभ समय है। दीपावली की पूजा कैसे करें, उसमें सबसे पहले लकड़ी की चौकी पे लाल कलर का कपड़ा बिछाएं, फिर उस पे चावलों की लेयर बना दें और फिर उस पे गणेश और लक्ष्मी जी को स्थापित कर दें। साथ ही अगर आप पे चांदी का सिक्का है या फिर श्री यंत्र है तो उसे भी वहाँ पे रख दें और सारी पूजा की विधि करें। इसके बाद आप जब पूजा स्टार्ट करेंगे उसमें सबसे पहले आपको गणेश जी का पूजन करना है। इसी के साथ आपको लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए श्री सूक्तम का पाठ करना है। इसके बाद आपको इन दोनों की
आरती करनी है, यानी कि गणेश लक्ष्मी जी की आरती करनी है, और लास्ट में आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। इसी के साथ जब आपकी ये पूजा खत्म हो जाएगी, उसके बाद आपको सारे दिए यानी कि दीपक जलाने हैं और अपने घर की एंट्रेंस पे और घर के हर कोने में रखने हैं, स्पेशली अपने घर के नॉर्थ ईस्ट और तुलसी जी के पौधे के पास ज़रूर रखने हैं आपको दीपक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि उनको भी दीपावली पूजन का शुभ समय पता लग जाए। आपको इस दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी इस बार दीपावली पे खूब तरक्की हो, यह हमारी एस्ट्रोन 200 टीम कामना करेगी। मैं आपसे फिर मिलूंगा किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।